भारत में महिला प्रगति की वास्तविकताएं के बारे में चर्चा करेंगे। आज स्थिति यह है कि महिला हर क्षेत्र में अपना पांव जमा चुकी है, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, धीरे धीरे इनका विकास हो पाया है। आज महिला थाना बन चुका है और इसके अतिरिक्त भारत के महिला आर्मी में भी जाने लगे, यहाँ तक वायु यान को चलाने लगे। फिर भी उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, जैसा कि पत्रकार राजीव सचान ने इनके विकास के बारे में बतलाया कि आज भी ये समस्याओं से जूझ रहे हैं। किस तरह से इन्हें मुक्ति मिले इसके बारे में सोचना है। चौथे विश्व सम्मेलन सितंबर 1995 में हुआ और बहुत बातें विकास के संदर्भ में कही गई, लेकिन विकास नहीं हो पाया है। विश्व सम्मेलन में कहा गया कि भारत के लगभग 70,000 महिलाओं को दूसरे देश में रोजगार दी जाएगी, लेकिन ये बातें रह गई और इस तरह से इनका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। आज भी दहेज प्रथा और मादा भ्रूण हत्या से ये जूझ रहे हैं, जैसा कि माकपा के सांसद अशोक मित्रा ने इनके लिए शोक जताया। जब विश्व सम्मेलन हो रहा था उस समय भुवनेश्वर में देवदासी प्रथा के लिए कुछ महिलाओं से हस्ताक्षर कराया जा रहा था, जो वेश्यावृत्ति को आगे बढ़ाता है, जो काफ़ी सोचने वाली बात है। आज भी महाराष्ट्र और दक्षिण क्षेत्र में देवदासी प्रथा बरकरार है। कुछ भी हो, आज सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है कि किस तरह से इस प्रथा को समाप्त किया जाए। लंदन के एक समाचार पत्र संडे टाइम्स में खबर छपी कि बिहार के कटिहार जिले में भ्रूण हत्याएं की जाती है, जो काफ़ी शोचनीय बात है। किस तरह से इसे समाप्त की जाए, समस्या बरकरार है।
इसलिए कहा जा सकता है कि आज भी नारी काफ़ी संघर्ष कर रही है, इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। और जब तक भारत के प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक इन्हें समस्याओं से जूझना पड़ेगा। वास्तविकता यही है कि कितने भी महिला सम्मेलन हो, समस्याएं बरकरार रहती है और इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना होगा, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। धन्यवाद। इस व्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और समाज में शेयर करें, जिससे प्रत्येक लोग इसके बारे में जान सकें, समझ सकें और समस्या का समाधान कर सकें। धन्यवाद।